नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पेपर कोड 950। ये प्रीवियस ईयर 2017 टायर वन में पेपर आया हुआ है। इसका लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट है, तो आप इसको देखिए कि 25 में से क्या 25 स्कोर कर सकते हैं 25 मिनट में। विच वैल्यू अमंग इज द लार्जेस्ट, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो इन सब का आप ऐसी वैल्यू ले लीजिए, एलसीएम ले लो जो सबको काट दे, जिससे वो कट जाए। तो देखिए कि अगर मैं 12 कर लेता हूँ तो ऐसे करूंगा रूट 12 और रूट और 5 पावर 1/3 है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 12 4 और 1/12, इसका मतलब 1/12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो गया। तो ऐसे सबको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पे क्या लूंगा, 3 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 इंटू 1/12 है, वो 1/4 हो जाएगा, 6 की पावर 1/4। ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5 की पावर 2, क्योंकि 1/12 यहाँ पे करूंगा मैं, तो ये 1/6 हो जाएगा, 12 की पावर 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 276 यहाँ पे 12, क्योंकि 276 है, इसकी पावर 1/12 करूंगा मैं, 1/12 यहाँ पे 1 करूंगा और 1/12 करूंगा, तो 1/12 पावर हो जाएगी, जो इसका मतलब ये हुआ 276 हुआ। तो देखिए अब सबसे बड़ा पता चल जाएगा कौन सा, क्योंकि सारे ये तो बराबर हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 5 की पावर 4 बड़ा हुआ, क्योंकि 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, और ये 144 होता है 12 की पावर 2, और ये 276 है। तो सबसे बड़ा, कई बार यह पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा, कई बार इसको ऑर्डर में लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पीस ऑफ वर्क वॉज फिनिश्ड बाई ए बी एंड सी टूगेदर, ए एंड बी टूगेदर फिनिश 60% ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टूगेदर फिनिश 70% ऑफ द वर्क, हु अमंग द थ्री इज मोस्ट एफिशिएंट। बताना है कि तीन लोग ने काम खत्म किया और ए और बी ने 60% काम खत्म कर दिया, जबकि बी और सी ने काम करते हैं 70%। तो बताओ सबसे ज्यादा तेज या सबसे ज्यादा कुशल, सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन सा है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ए और बी ने मान लो काम टोटल 100 यूनिट है, ए और बी ने कितना किया 60% का, मतलब 60 यूनिट हुआ, 100 यूनिट का 60% 60 यूनिट काम हुआ। बाकी काम किसने किया, सी ने किया होगा, फिर बाकी काम तो सी ने किया है। बी और सी ने किया है 70%, तो बी और सी ने अगर 70% किया तो ए ने कितना किया है 30 यूनिट काम, तो ए ने 30 किया है, सी ने 40 किया, टोटल काम है 100 है, तो बी ने कितना किया होगा 30। तो इस पूरे प्रकरण में सी है सबसे ज्यादा काम करता, सी सबसे ज्यादा कुशल है, सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं, 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 4 5 आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना डिक्रीज हुआ। तो ये क्या है, सॉलिड स्फीयर के तीन छोटे सॉलिड स्फीयर दिए हुए, बड़ा बनाएंगे तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह की आपको कुछ एक चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, 3 4 5 उसका करते हैं 6 होता है। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ, 4/3 pi, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और ये क्या है, रेडियस वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, 4/3 और इसका जो आएगा वो इसके बराबर होगा, जो नया बनता है उसके बराबर। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, अब देखिए ये कितना होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 64 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाता है 216 का मतलब 6 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ गया, एरर की वैल्यू 6 आ जाएगी। कुछ एक चीज़ें होती है जो कि आपको याद रखनी होती है, 3 4 5 का कम्बिनेशन 6 के साथ में होता है, तो 6 इसका रेडियस होगा। अब हम क्या निकालना है कि डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² होता है। तो ये देखिए कि 4 पाई और r1 कितना है इसमें, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये तो इसका हो गया, इनका सभी का, और इस साइड कितना हुआ, इस साइड हुआ 4 पाई और r कितना था इसमें नए वाले में 6 6 की पावर 2, तो ये कितना हुआ 9 16 25 25 50 इंटू 4 200 200 पाई, तो इस साइड हो गया, और ये कितना हो गया 6 6 36 36 इंटू 4 144 होता है 144 पाई। तो अगर 100 पाई है और ये कितना हुआ 72 72, तो पहले अगर 100 पाई था अब 72 पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, आप बोल सकते हैं कि 100 था पहले तो अब 72, कितना कमी हुई 28% की कमी होगी, 100 पर 28। अगला क्वेश्चन है, मार्क्ड
प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 4,800 विच इज सोल्ड एट 3,672 एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। पहली पर 10% डिस्काउंट है, बताओ दूसरी पे कितनी होगी। तो पहली पर 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि वो कितने 10,480 रुपए की डिस्काउंट हुई या 90/100 में शो कर दूं मैं इसको, तो कितना हुआ 9,872, 9,36, 7,43। पहले डिस्काउंट के बाद इतने में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में आखिर में बेच कितना रहा है वो इतना, दूसरी एक डिस्काउंट और देता है तो कितना हुआ 11 में 7 गए 4, 12 में 6, 648 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है दूसरी। और ये 648 रुपए की डिस्काउंट है इसके ऊपर है 4,320 के ऊपर है दूसरी डिस्काउंट, तो कितनी हुई 100 के ऊपर कितनी हुई, देखिए आप कितने से कट जाएगा 15 से कट जाएगा आपको। इस यहाँ से देखना होता है कि 4 ये 60 ये, तो 15 चौक 60, क्योंकि इसी में से तो मिलना है, तो 15 में 30, 15 43, 48, 48, 15 चौक 60, 64, 64 15% है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों ने इन्वेस्ट करते हैं, इस रेशियो में 3, 4, 5 में इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में। इफ द स्कीम ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 20%, 15% और 10% पर एनम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा। देखो ये इसको मैं 300 कर लेता हूँ, इसको मैं 400 कर लेता हूँ, इसको 500 रुपए कर लेता हूँ, इस रेशियो में ये 20% 20% का मतलब क्या हुआ 120/100 करूंगा 12, 36, 360 रुपए, यहाँ पे अमाउंट बन जाती है 60 रुपए, ब्याज हो गया इस पे कितना ब्याज बन रहा है 15 चौक 60, 60 रुपए इसका मतलब 460 रुपए, और यहाँ पे अमाउंट कितनी हो जाती है 10% ब्याज, 10 का मतलब 50, 500 का 10% 50, 50 और जोड़ दूंगा तो इसमें 550 या 110/100 कर दो तो 550 आएगा। तो ये कितना है, ये अमाउंट हो जाती है एक साल के बाद में, एक साल के बाद में 36, 46 और 55 के रेशियो में इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ सोसाइटी इज 60.7 ईयर्स, बाय एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर्स एवरेज एज बिकम 56.3, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि न्यूली कितने बंदे ज्वाइन किए, 30 किए, पहले कितने थे 120, तो 150 बंदे हैं और इनकी एवरेज है 56.3, तो टोटल ये हो गई 150 बंदों की। उसके बाद बोल रहा है कि 120 पुराने बंदे हैं उसकी एवरेज कितनी है 60.7, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं टोटल का करूंगा और 30 से भाग दे दूंगा, 30 क्या है नए बंदे, तो नए बंदों की एवरेज एज जो हमें निकालनी है, तो इसको मैंने भाग दे दिया। अब देखो 30 मैं कॉमन ले लूँ इसमें तो कितना हो जाएगा 5 × 56.3, और यहाँ पे आ जाएगा 30 कॉमन लूंगा तो 4 × 60.7, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 5 × 15, 5 × 30 = 31 और ये 28 आ गए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24, तो 15 में 8 गए 7, 10 में 2 गए 8 और 7 में 4 गए 3, 38.7 है ये 30 नए बंदे हैं उनकी एवरेज आ गई है। बोला गया है कि बाय सेलिंग 175 पाइनएप्पल्स गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज, 175 पाइनएप्पल को बेचते हैं तो कितना गेन होता है 50 पाइनएप्पल के बाद के बराबर। मैं 101 पाइनएप्पल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मानता हूँ, तो वन सेलिंग प्राइस 175 का कितना हुआ 175 रुपये हो गया, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया मैंने, अज्यूम कर लिया। बेचता कितने का है वो, जो बेचता है लाभ कितना होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इसको होता है 50 पाइनएप्पल के सेलिंग प्राइस के बाद के बराबर, तो 50 का कितना हुआ 50 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना हुआ, देखो सीपी हो गया 125 रुपये, इसमें से ये माइनस करेंगे तो सीपी आ गया, 50 रुपये का प्रॉफिट है 125 पे, 100 पे कितना होगा ये क्वेश्चन बन गया, 25 × 50 ये हो जाएगा 40% प्रॉफिट होगा, आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है ए हैज गॉट 20% मोर मार्क्स देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑफ बी आर लेस देन मार्क्स ऑफ ए, ए की तुलना में कितना है। देखो ए है 20% ज्यादा लेता है, बी के 100 हैं तो ए के कितना है 120 है, 20% ज्यादा है ये ए के हैं, ए की तुलना में, ए की तुलना में कितने कम है 20 कम है, किसकी तुलना में ए की तुलना में 100 पे कितने कम होंगे, तो 20/120 दो से कट जाएगा 50/3 कम होगा ए की तुलना में जो कि 16.6 है। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM एंड रीचेस जयपुर एट 4 PM ऑन सेम डे, अनदर ट्रेन लीव्स जयपुर एट 12 PM एंड रीचेस दिल्ली एट 5 PM ऑन सेम डे, व्हाट इज द सेम टाइम ऑफ डे व्हेन टू ट्रेन्स विल मीट। देखो 10 बजे स्टार्ट होती है एक ट्रेन 10 बजे और वो जयपुर की तरफ चलती है, जयपुर है ये दिल्ली मान लेते हैं, और 4 बजे जयपुर पहुंच जाती है,
दूसरी ट्रेन 12 बजे स्टार्ट होती है, यहाँ पे 12 बजे का टाइम है, और वो किसकी तरफ स्टार्ट होती है, इसकी तरफ जाती है, ये जाती है इधर जाती है और ये इधर जा रही है, ये 5 बजे पहुंच जाती है, 5 बजे सेम डे पहुंच जाती है कहाँ पे, दिल्ली पहुंच जाती है, और ये जयपुर है, जयपुर से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टाइम ऑफ डे व्हेन द टू ट्रेन विल मीट, किस टाइम वो दिन में मिलेगी ये बताना है, और ये फ्रैक्शन टाइप की चीजों में दिया हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है डिफिकल्ट हो। इसलिए देखो, 10 बजे से लेकर 4 बजे, इसका मतलब 6 घंटे हुए, 6 घंटे में पहुंचती है, और ये 12 बजे से 5 बजे, 5 घंटे पहुंचती है, 5 घंटे में पहुंचती है। तो मैं 6 और 5 का एलसीएम 300 किलोमीटर मान लेता हूँ दूरी, तो 300 से कट जाएगा, इसलिए 300 मान रहा हूँ, 30 भी मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 300 मान लिया मैंने एजी कैलकुलेशन के लिए। तो दूरी अगर 300 है और 6 घंटे में जा रही है, तो कितनी किलोमीटर की गति है, 50 किलोमीटर की गति, और 300 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही है, तो कितनी गति हुई, 300 बटे में 5, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 किलोमीटर गति से जा रही है, 60 किलोमीटर गति से जा रही है, ये चीजें हमें एक किस्म से इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है। अब 10 बजे के बाद ये स्टार्ट होती है 12 बजे, तो 12 बजे ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, 2 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 12 2 घंटे में कितना हुआ ट्रेवल, इसका 12 बजे में ट्रेवल हुआ 2 घंटे में 50 की गति से 100 किलोमीटर। बाकी कितना बचा, बाकी बचा, बाकी इसका बच गया 300 में से 100 गए, 200 किलोमीटर बच गया, 200 किलोमीटर ये अब 12 बजे यहाँ पे पहुंच के 200 किलोमीटर का हुआ डिस्टेंस, जो दोनों को मिलकर है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, रिलेटिव डिस्टेंस के अनुसार तय करना है। तो 60 किलोमीटर इसकी गति है, 50 इसकी, तो 110 हुआ, 110 तो आगे स्पीड, और 200 किलोमीटर की दूरी है, तो कितना हुआ, 20 बटे 21, जो कि हो जाएगा 20 बटे 21, कितना हुआ, 1 घंटा और 9 बटे 11, ये घंटे को इसको मिनट बना लेते हैं, तो 11 9 6 54, आप 540 को 11 से भाग दे दीजिए, 11 6 44 और 10 और 11 99, 49 मिनट के हो गया, 1 घंटा 49 मिनट। तो 12 बजे के बाद में 1 घंटा 49 मिनट का मतलब हुआ कि 1:49 पे ये ट्रेन है आपस में मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 8% पर एनम इज 64 रुपीज, वट इज द सम। क्या बोला गया कि डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 8% के हिसाब से, और वो हाफ ईयरली है, तो 4 और 4 और सक्सेसिव परसेंटेज हमने लगा दिया इसमें, x+y, xy/100, तो 8 रुपये 16 पैसे बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में, 8% अगर हाफ ईयरली काउंट होता है तो 100 रुपये के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट तो 8% ही रहेगा, 100 रुपये पे 8% सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, 8 रुपये ब्याज में, तो डिफरेंस कितना हुआ, 16 पैसे का डिफरेंस हुआ है, तो प्रिंसिपल है 100 रुपये, 1 का डिफरेंस है तो, और 64 का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ 64 रुपये दिया हुआ है डिफरेंस इसका इतना है, तो डेसिमल की जगह तो 100 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 2 0 2 0 4 0 हो जाएगी, तो 2 0 4 0 40,000 रुपये वो सम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है x-y x-2 और x+3 फैक्टर दिए हुए हैं, फैक्टर का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू -3, दो हम इस रूप में ले सकते हैं, पूरा पूरा भाग होते हैं उसको फैक्टर बोलेंगे, एक्स स्क्वेयर और इक्वेशन दी हुई है ये, तो हमें बताना है कि K1 और K2 की वैल्यू क्या है। तो देखो, अगर मैं पहले एक एक्स की जगह 2 कर देता हूँ और एक्स की जगह -3 कर देता हूँ, तो एक्स की जगह 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 और K1 2 K1 हो जाएगा और K2 इज इक्वल टू 0। अब मैं -3 करता हूँ मैं, तो -3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, -3 × -3 9 और -3 K1 और K2 दिया जाएगा। अब मैं इसको निशान चेंज हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 5, ये प्लस हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 5 K1 5 K1 और ये माइनस है तो इस साइड जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, -9 में से 4 गए तो -5 है, इस साइड जाएगा प्लस हो गया, K1 की वैल्यू आ जाएगी 1, K1 की 1 आ जाएगी, 1 तो 2 में है तो इसका मतलब आगे चलेगा ये। अगर मैं यहाँ पे K1 की रख देता हूँ 1 वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, K2 कितना हो जाएगा, -6, तो -6 इसमें, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x माइनस वाई है, 7 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो क्या होता है, देखो
एक्स और वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। अगर मैं ये यहां पे लगा देता हूं, ये एक्स माइनस 15 और माइनस है यहाँ पे वाई और प्लस ये हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई की जगह पे मैंने ये कर दिया, ये किसके बराबर हो गया, देखो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और माइनस 7, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई है 7 के बराबर, तो 7 माइनस 7 कितना होगा 0, तो ये जो है 0 है, तो पूरी इंटायर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, आंसर क्या हुआ ए। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे करेंगे, देखो x माइनस वाई है वो कितना है रूट 18 माइनस 1, इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, और ये क्या है x प्लस वाई है और ये इस साइड ले जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा रूट 18 प्लस 1, क्यों, क्योंकि तीन ये 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 18 हो जाएगा, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, इसी ये कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2√18, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी √18। अगर मैं यहाँ पे रूट 18 लिख देता हूँ, रूट 18 माइनस वाई और रूट 18 माइनस 1, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई वैल्यू 1 आ जाएगा, एक्स है वो रूट 18 है और वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ये आ गया हमारे पास। अब आता है कि इसमें हम वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो एक्स रूट 18 प्लस 1 और रूट 18 माइनस 1, मतलब इस फॉर्मेट में इसको लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 1 17 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 12, और रूट 18 था x की वैल्यू, 18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ और y की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 12 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 12 सत्तर 84, 12 × 12 = 20, 204 और इंटू 3 312 √2, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है पी पी बाई क्यू, इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस और टी बाई यू इज इक्वल टू √5, हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है, इसकी जगह मैं √5/1 करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी है √5 है, आर √5 है, टी √5 है, तो क्यू वन है, एस वन है और यू वन है। अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे भी 4 × 5 और 5 × 5, और ये भाग में है तो क्या हो जाएगा, क्यू है वो 1 है, तो 3 × 1 4 × 1 और ये क्या है 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 दिए 15, 5 × 20 और 5 × 25, 15, 20 और 25 कितना हो जाएगा 25, 15, 40, 20, 60, 60 ये हो गया, और 5, 4, 9, 3, 12, ये 12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65, इन ट्रेंगल ए बी सी एट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू पॉइंट डी ऑन बी सी, इफ बी सी इज 9 cm एंड डी सी इज 3 cm, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए डी सी रिस्पेक्टिवली। देखो एक ट्रेंगल है ए बी सी इस फॉर्मेट में, ए बी और सी ये ट्रेंगल है, और ए से पॉइंट है डी पे, ये डी है, बी सी पे डी पॉइंट है, उस पे ये ऐसे मिलाया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 9, ये पूरा बी सी है, 9 दिया हुआ है पूरा यहां से लेकर और यहाँ पे 9 है, और DC 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये जो ट्रेंगल है कौन से वाली ABD, ये वाली जो ट्रेंगल है, और जो दूसरी ट्रेंगल है कौन सी ADC, इसका इन दोनों का क्या होगा एरिया का रेशियो, वो हमें बताना है। तो अगर ये 9 है टोटल, ये 3 आती है, कितना हुआ 6 हुआ, बेस इसका 6, इसका बेस 3 है, हाइट दोनों की सेम है, तो हाइट सेम है तो क्या हुआ रेशियो इस रूप में हो जाएगा 6:3, क्योंकि 1/2 और बेस और हाइट कितने दोनों की बराबर है, 1/2 बेस और हाइट दोनों की बराबर है, तो ये देखो 2 × 3 = 3 हो गया, 3h और इसकी हो जाएगी 3/2h, 3 और 3/2h, मतलब कि ये 6 और 3 का आ गया, 6 3 का रेशियो मतलब 2:1। अगला क्वेश्चन है,
PQR is a right angle triangle in which R 90 degree दिया हुआ है, RS दिया हुआ है perpendicular PQ पे, PR दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, RQ 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि वैल्यू RS की क्या होगी। PQR राइट एंगल ट्रायंगल है और R 90 डिग्री है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। R P और मैं Q यहां कर देता हूं, R पे 90 डिग्री है, RS PQ पे परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर यहां पे 90 डिग्री का बना हुआ है RS। PR 3 सेंटीमीटर है, PR 3 सेंटीमीटर है, PRQ RQ 4 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि ये RS कितनी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 3 4 5 पाई अगर स्ट्रिपलेट होता है तो ये PQ 5 हो जाएगी, PQ 5 है, तो देखो 1 बटे में 2, 2 बेस कितना इसका 5 और हाइट कितनी है, हाइट हमें जो निकालनी है, हाइट निकालनी है, और ये क्या है बेस इसका 1 बटे, ये दोनों बराबर होगा, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है तो 1 बटे 2 और बेस 4 और इनटू 3 कितना हुआ 12, एच है 12 बटे में 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल बराबर है, उसका फॉर्मूला यूज कर दिया दो साइड से ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PQR A is the point of intersection of all altitude and B is the point of intersection of all the angle bisector of a triangle. If PBR is equal to 105, then what is the value of PAR? देखो PQR है, एक ट्रायंगल दी हुई है, PQR एक ट्रायंगल है, अब क्या दिया हुआ है, A is point of intersection of all the altitude. Altitude क्या होता है, altitude होता है 90 डिग्री का गिरा देना। देखो ये एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ए है, एंड बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए। एंगल बाइसेक्टर कौन से, ये वाले, ये एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं, और अगर एंगल बाइसेक्टर करते हैं यहाँ पे हम ऐसे कोई पॉइंट ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और PBR है 105, PBR कौन सा हो, ये B है यहाँ पे, तो PBR ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो 105 है। हमें बताना PAR की वैल्यू क्या है, P और A कौन सा, A ये वाला है, ये वाला पॉइंट A है, ऑर्थो सेंटर बोल सकते हैं ये हम इसको, ऑर्थो सेंटर हुआ, और वो कौन सा हुआ, इन सेंटर हुआ, तो इन सेंटर वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो 90 प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू ये कितना होगा 105, और ए इसमें क्या है, ए सामने वाला होता है इसका, इसका सामने वाला कौन सा होगा, क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको मैं क्यू लिख दूं तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 90 15, 15 इंटू 2 30, तो ये आ गई 30 डिग्री, ये पूरी 30 डिग्री आ गई। देखो अब ये 30 डिग्री ये है और ये 90 डिग्री है, नहीं इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना कौन सा, हमें निकालना है PAR, PAR ये वाला निकालना है, और ये वाला, ठीक है। अब अगर ये निकालना है तो क्या हुआ, ये जो डिग्री है ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 30 90 और 90 180 हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ और यहाँ पे ऐसे आ गया, ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला कितना, वो भी 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला भी 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा, 360 में से 60 गए 300 हो गया, तो ये 150 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब एंगल कितना हुआ, ये पी ए आर 150 डिग्री हुआ, एक तो ये तरीका। दूसरा बात क्या है, ये जब ये आ गया है तो ऑर्थो सेंटर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, कि मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ और ये ऑर्थो सेंटर है, ये और ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये 150 होगा, क्योंकि 100 ये वाला और ये वाला 180 होता है हमेशा,
तो 130 में से 30 गए 150। प्रॉपर्टी याद है तो वो भी कर सकते हैं, वरना जब मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया वो भी देख सकते हैं। तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मतलब एसएससी का ये क्वेश्चन है गलत था। तो कोई भी ऑप्शन है आप 150 मानिए और उसको करेक्ट करिए फिर, क्योंकि एसएससी फिर बाद में ठीक कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर फोर लाइंस इन ए प्लेन देन व्हाट कैन नॉट बी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। देखो चार लाइनें दी हुई है प्लेन में, तो बताओ कि इंटरसेक्शन कितने नंबर ऑफ पॉइंट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। तो एक तो ये है कि जीरो इंटरसेक्शन हो सकता है, ये तो हो सकता है पॉसिबल, पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, देखो ये लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, चार लाइनें हैं, एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, चार इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो दूसरा भी हो सकता है पॉसिबल। अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूं, इसको ऐसे कितनी लाइनें हुई, एक दो तीन और चार, और इंटरसेक्शन कितने में, एक दो तीन चार पांच, पांच इंटरसेक्शन होते, इसका ये भी हो सकता है, सात इंटरसेक्शन नहीं बनेंगे चार लाइन से। तो आंसर क्या हुआ, आंसर पे हो जाएगा ये, सेवन इज द आंसर। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेकेंट टू ए प्लस कोट टू ए। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप इसमें, अगर मान लो ए की वैल्यू मैं 30 करता हूँ, ये वैल्यू पुट करने में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ में आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन होगी फिर। तो 30 अगर यहाँ पे हो, 30 दूनी 60, कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, और 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, कोसेक हो जाएगा 2/√3, और कोट 60 कितना होता है, 30 हुआ 13 × 2 = 60, तो कोट 60 वो कितना होता है, तो कोट 60 होता है 1/√3, टेंजेंट 30 के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा √3, तो ये आ गया, और 2 + 1 कितना हुआ 3, इसको मैं रेशनलाइज करूंगा, ऊपर और नीचे से भाग दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये कैंसिल, इसकी √3 वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर ए की वैल्यू रखते हैं 30, तो √3 किस में आएगा, इसका मतलब अगर मैं इसमें रखूंगा तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, कोट 30 जो कि √3 के बराबर होता है, तो सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 135, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 ए, ये क्या होगा। देखो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनी हुई है, क्या है, ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी 3 माइनस 3 ए बी सी, इस फॉर्मेट में दिया हुआ कि ये कितना होगा। जब इस तरह का हो तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ये हमेशा 0 के बराबर होता है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन को डिजाइन इस ढंग से किया गया कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए अगर मैं ये साइन है, ये साइन 30 कितना होता है 1/2, पहले ये देख लो, और बी कितना है, बी कोस है, कोस 60, कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2, फिर है साइन, ये टेंजेंट सी, टेंजेंट 135 कितना होता है, -45, वो हो जाएगा माइनस में चला जाएगा वन, क्यों वन, क्योंकि 180 में से 135 के 45 होता है, और कोट, और ये माइनस में है, 180 -45 होगा इस फॉर्मेट में, वरना आपको वो टेबल भी पता होनी चाहिए टेंजेंट का। तो कितना हो जाएगा ये माइनस में जाएगा, और यहाँ पे -1 होगा 45, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 है, ये इसमें 0 है, तो इसका मतलब ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये सब 0 के बराबर होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर इसका, अगर ये 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो लीस्ट वैल्यू किसमें होती है, थीटा 45 हो, तो पहले अगर 45 हो तो कितना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन 45, 1/√ होता है स्क्वेयर करने पर, 1/2 हो जाएगा, ऐसे ये भी 1/2 हो जाएगा, ये सेकेंड सेकेंड 45 क्या होगा, उसका उल्टा होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा हो गया ना, और ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 ये 2 1 2 और ये 3 2 5 तो 7 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या है पूरा फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि कैसे, देखो दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, काफी फेमस है, इसको याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूले, इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो देखिए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, कि यहाँ पे प्लस है तो ये वहां पे मैं इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ये, और इसको मैं
माइनस कर देता हूं और प्लस में कर देता हूं टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, इसका नेट इन आइडेंटिटी क्या हुआ, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो पहले दिया हुआ था। तो क्या है ये और ये वन हो गया और ये वन है ही। अब दूसरी आइडेंटिटी मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट की, तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ और साथ में क्या है प्लस टू कोट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर ये कोसेकेंट माइनस कोट का एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया टू कोट। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा टू कोट और टू टेंजेंट हो जाएगा, दो में कॉमन ले लेता हूँ तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये पहुंच गया, और थीटा इसमें दोनों बराबर होंगे 45 होंगे तभी ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू बनेगी 45, तो ये 45 हो गया वन हो जाएगा वन, दो दूनी चार पाँच छः सात, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72, पाई चार्ट दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स का टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट एट एन इंस्टीट्यूट बाय मिस्टर राघव, मिस्टर राघव 500 घंटे टोटल मिस्टर राघव पढ़ाता है, और बताना आपको कि टीचिंग अलजेब्रा में और मॉडर्न मैथ में कितना फर्क है। अलजेब्रा कौन सा है, अलजेब्रा है ये वाला और मॉडर्न मैथ है ये वाला, 9 में 4 5% का फर्क है, 5% का मतलब 500 घंटे पे 25 घंटे का फर्क हो गया, 25 घंटे का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है पाई चार्ट, ये पाई चार्ट सेम है, मिस्टर राघव टोट ज्योमेट्री फॉर 36 आवर, ज्योमेट्री 30 घंटे पढ़ा 36 घंटे पढ़ाता है, इफ टाइम टेकन इन टीचिंग रेशियो का इंस्टीट्यूट 1/4 ऑफ द टाइम फॉर द अर्थमेटिक, अर्थमेटिक देन हाउ मच, अर्थमेटिक कहाँ पे है, अर्थमेटिक है ये वाला, देन हाउ मच टाइम डिड ही टोट द टॉपिक ऑफ रेशियो, रेशियो कितनी देर पढ़ाएगा, तो 6% है इज इक्वल टू 36 घंटे, 1% किसके बराबर हो जाएगा 6 घंटे के बराबर हो जाएगा, तो 6 घंटे और ये 46 × 46 ये कितना अर्थमेटिक पे टाइम लगा रहा है, जितना वो अर्थमेटिक पे टाइम लगाता है उसका 1/4 लगाता है रेशियो वाले चैप्टर पे, रेशियो वाले चैप्टर 1/4 से गुणा कर दो तो 2 × 3 आ जाएगा और 23 आ जाएगा, यहाँ पे 23 × 69 घंटे लगाता है वो किस पे, रेशियो वाले चैप्टर पे, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है If data interpretation and modern maths were taught for a combined time of 96 hours, then how much time were number system and geometry taught? देखो total 96 hours लगाए गए हैं किस पे, modern math पे और data interpretation पे, data interpretation का है ये वाला और modern math का है ये वाला, 96 hours है, तो बताओ कि number system और geometry पे कितने लगेंगे, number system geometry ये है और number system ये है, तो 8 × 4 = 12, 12% किसके बराबर, 96 hours के बराबर है, 1% किसके बराबर हुआ, 8 घंटे के बराबर हुआ, और 23 और 6 कितना हुआ 29, तो 29% किसके बराबर हुआ, तो 1% 8 के बराबर 29% 8 × 29, 8 × 72 और 8 × 16 = 23, 232 घंटे है वो लगेंगे, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 75th, सेम ग्राफ है, ए न्यू टॉपिक नेम्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट 10% टाइम ऑफ ऑल टॉपिक्स एक्सेप्ट अर्थमेटिक विल बी डिवोटेड टू इट, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल मेड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द न्यू पाई चार्ट। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर ऐड किया गया है और 10% टाइम है ना सभी टॉपिक का, अर्थमेटिक को छोड़ दिया जाए तो उसको अलोकेट कर दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो देख लेते हैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को कितने घंटे लगेंगे। देखो अर्थमेटिक को कितना अलोकेटेड है, अगर मान लो 100 घंटे है तो 46 घंटे है अर्थमेटिक को है, 46 अर्थमेटिक को है तो बाकी कितने को है 100 में से 46 से 54 घंटे 100 में से वो अलोकेटेड है अदर देन अर्थमेटिक, और इसका 10% कितना हुआ 5 घंटे, 5.4 आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग को अलोकेट किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को 5.4 आवर्स अलोकेट किया जाता है। पूछा गया है कि बताओ इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा नई चार्ट में, तो 5.4 आवर है, टोटल घंटे हैं 100, तो 100 घंटे में इसका रोल है 5.5, और 360 में क्या होगा, क्योंकि 360 डिग्री में कितना रोल होगा, 100 में रोल है 5.4, 360 में कितना होगा 5.4/100 × 360 × 360, ये डेसिमल की जगह 10 कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा देखिए 6 × 24 यूनिट डिजिट का है, इसका 24 आ रहा है 4 तो इसी में ही है, तो सी इसका आंसर होगा, वरना आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पहले 18 से भी कर सकते हैं, इसको टुकड़ा करके 36 और 18 तो 18
से कर सकते हैं इसको, और फिर इसको 3 से करेंगे, वरना करने की जरूरत नहीं है, आपका इतना ही आएगा। देखो 5 3 15, तो इसको अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन जब यूनिट डिजिट हो रहा है तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये थे 25 क्वेश्चन, और आपके इसमें से 24 अगर ठीक होते हैं तो इसका मतलब एक अच्छा स्कोर है, लेकिन 25 करते हैं, 25 से 30 मिनट के बीच में करते हैं तो वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।